अशोक गहलोत ने पार्टी अध्यक्ष पद के नामांकन भरने के दिए संकेत। एबीपी न्यूज से बोले, गांधी परिवार के बाहर का बनेगा अध्यक्ष। दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क किसे देना है? आज इस मामले पर बीएमसी बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना जवाब देगी। उद्धव गुट ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उद्धव ठाकरे का शिंदे गुट को चैलेंज, कहा हमारी दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी। उद्धव ठाकरे का गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना, बोले हिम्मत है तो एक महीने में विधानसभा और बीएमसी चुनाव कराकर दिखाएं। वो मुझे जमीन दिखाने की बात कर रहे थे, हम उन्हें आसमान दिखाएंगे। पंजाब में राज्यपाल ने सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की नहीं दी इजाजत। कल सदन में बहुमत साबित करने वाले थे भगवंत मान। सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल के फैसले पर कहा, विधानसभा न चलने देना लोकतंत्र पर बड़े सवाल पैदा करता है। लोकतंत्र को करोड़ों लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि चलाएंगे या केंद्र से नियुक्त एक व्यक्ति। अरविंद केजरीवाल ने राज्यपाल के फैसले पर उठाए सवाल, कहा ऐसे कैसे विशेष सत्र को मना कर सकते हैं, फिर तो जनतंत्र खत्म है। देश में एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस। यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कराने के आदेश पर भड़के ओवैसी। एबीपी न्यूज से बोले, वक्फ की संपत्ति छीनने की कोशिश हो रही है, यूपी सरकार की नीयत ठीक नहीं, आदेश वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी की तरह संकेत देकर कहा था, अब हमको अपने लिए नहीं बल्कि इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा 2025 में नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़कर तेजस्वी को सौंप दें, अपना आश्रम वाला वादा याद रखें। नीतीश ने आश्रम खोलकर राजनीतिक ट्रेनिंग देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से दो दिन के तमिलनाडु के दौरे पर, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जनसभा भी होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए आज शाम 4 बजे डीडीएमए की बैठक बुलाई गई। उपराज्यपाल विनय सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे शामिल। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो सकती है। आज याचिकाकर्ता पक्ष को सरकार और शिक्षकों की दलील का जवाब देने का मौका मिलेगा, उसके बाद आदेश सुरक्षित रख लिया जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। निचली अदालत ने ए राजा समेत दूसरे आरोपियों को बरी किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पर राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज आज सुनवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले में आरोपी पार्थ चैटर्जी को 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के सहयोगी कौसर इमाम को दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया। कौसर इमाम के घर में से छापे में पिस्तौल और 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। अमरावती के उमेश कोले हत्याकांड मामले में फरार आरोपी शमीम ने एनआईए कोर्ट में सरेंडर किया। शमीम पर एनआईए ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड के पूर्व सीएमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल को 22,842 करोड़ के बैंकिंग घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के ठगी केस में ईओडब्ल्यू ने फैशन डिजाइनर लिपाक्षी से 7 घंटे पूछताछ की। मुंबई में दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, छापेमारी के दौरान एक कंटेनर से 345 किलो ड्रग्स बरामद। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 1,725 करोड़ रुपए बताई गई। बटला हाउस मुठभेड़ के दोषियों की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोषी आरिस खान ने फांसी की सजा और शहजाद अहमद ने उम्र कैद की सजा को चुनौती दी है। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में सड़क हादसे में 6 लोगों को कुचलने वाले चालक को पुलिस ने पकड़ा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के सहारनपुर में हनी ट्रैप का मामला, पति ही पत्नी से करवाता था लोगों को हनी ट्रैप का शिकार, दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, उज्बेकिस्तान की लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा। 2019 से नागपुर में चल रहा था रैकेट, पुलिस ने फर्जी डॉक्यूमेंट बरामद किए। झारखंड के देवघर में पाइप चोरी करते हुए रंगे हाथ पुलिस ने धर दबोचा आरोपियों से पाइप पर एक वाहन जब्त किया, ट्रक मालिक भी गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में गैंगस्टर के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, गैंगस्टर नीरज पुनिया पर कई मामले दर्ज हैं। इंदौर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर दस्तक पर रेप का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के अमरोहा में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, मंदिर में रखी दान पेटी को उड़ा ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी।
बिहार के वैशाली में सरकारी स्कूल के कमरे से शराब के 140 कार्टन बरामद। बिहार में कई सालों से लागू है शराबबंदी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम का छापा। मसालों में घोड़े और गधे की लीद मिलाने का आरोप है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने कहा, झारखंड में बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त किया गया, अब यहां सीआरपीएफ के परमानेंट कैंप है। उत्तराखंड में बारिश बनी मुसीबत। केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ से गिरा मलबा, चार धाम यात्रा पर असर, जगह जगह रास्ते हो रहे हैं बादल। यूपी के जालौन में जारी बारिश का कहर। बारिश के कारण मलंगा नाला उफान पर। मलंगा नाले में पानी बढ़ने से शांतिनगर पानी से घिरा। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। यूपी के कई शहरों में बारिश। सरयू का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। नदी किनारे वाले इलाकों में प्रशासन का अलर्ट। कानपुर में भी बारिश का खत्म। भारी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। कई इलाकों में जल भरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव। पानी भरने से लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के शिरडी में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से मुसीबत। लगातार हो रही है बारिश। एमपी के रतलाम में एक घंटे की बारिश ने जावरा को बना डाला तालाब। सड़कों पर दिखी सैलाब की तस्वीरें। ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आए। तीन मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। 88 रन से इंग्लैंड को हराया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की ताबड़तोड़ पारी। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 111 गेंदों पर नॉट आउट रहते हुए 43 रनों की शानदार पारी खेली। भारत की हार पर पूर्व क्रिकेटर का बयान, रोहित शर्मा के लिए दुख महसूस कर सकता हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के लिए किसी एक पॉइंट पर बात करना आसान नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी पारी के दौरान टीम इंडिया से काफी गलतियां हुई। मोटो जीपी में डेब्यू करेगा भारत अगले साल। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली मोटो ग्रां प्री विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। टीम इंडिया के हार के बाद रवि शास्त्री का बड़ा बयान, फील्डिंग को बताया खराब। आईसीसी टी20 रैंकिंग में चमके सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार 780 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। सूर्य कुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में इस साल 18 पारियां खेली हैं और उन्होंने बनाए हैं 613 रन। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में की भारी बढ़ोतरी। ब्याज दर में 0.75% की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि वो ब्याज दरों को साल 2023 तक 4.6% तक ले जा सकता है। पेपरफ्राई भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की तैयारी में। कंपनी आईपीओ लाने के लिए दाखिल कर सकती है डीआरएचपी। आईपीओ के जरिए 2400 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। कोरोना के बावजूद 2021-22 में 11.1% बढ़ी कर्ज की मांग। 174.3 लाख करोड़ रुपए हुआ लोन मार्केट। कमर्शियल लोन में 49.5% तो रिटेल लोन में 48.9% का उछाल देखने को मिला है। कोरोना काल में कमाई के लिए लोगों ने जमकर की स्टॉक्स की ट्रेडिंग। डीमैट खाते की संख्या पहुंची 10 करोड़ के पार। मार्च 2020 और मार्च 2022 के बीच 4.88 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खोले गए। जेपी मॉर्गन के मुताबिक 2022 के आखिर तक 5% एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने लगेगी। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट है। डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर लगे प्रतिबंध को 29 अक्टूबर तक बढ़ाया। अभी भी सिर्फ 50% फ्लाइट छोड़ेंगी। देश में हवाई उड़ानों से जुड़ी गाइडलाइंस और मानकों पर नजर रखता है डीजीसीए। कल से शुरू होगी अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। इस सेल में स्मार्टफोन पर पूरे साल की बेस्ट डील मिलेगी। सैमसंग की नो मो फोमो फेस्टिवल सेल शुरू। सेल में गैलेक्सी फोन, टैबलेट और वेयरेबल डिवाइस के साथ एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव पर बंपर छूट दी जा रही है। यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने वालों की होगी बंपर कमाई। यूट्यूब ने घोषणा की है कि यूट्यूब शॉर्ट्स से होने वाली कमाई का 45% हिस्सा शॉर्ट्स बनाने वाले क्रिएटर्स को दिया जाएगा। इसके साथ ही 55% हिस्सा यूट्यूब अपने पास रखेगा। GoPro कैमरे का नया मॉडल GoPro Hero 11 लॉन्च हुआ। इस कैमरे को अमेजॉन सेल में खरीदने के लिए सिर्फ 99 रुपए में प्रीबुक कर सकते हैं। ये कैमरा पूरी तरह वाटरप्रूफ है। इस कैमरे की बैटरी नॉर्मल कैमरे से 30% ज्यादा बड़ी है और ज्यादा देर चलती है।
एप्पल ने आईफोन 14 प्रो के कैमरे में आई दिक्कतों को माना। इस बारे में एप्पल का कहना है इस समस्या को कुछ दिनों में सही कर दिया जाएगा। यूजर ने कैमरे की क्वालिटी पर उठाए थे सवाल। फिल्म मेकर महेश भट्ट ने मनाया 73वां जन्मदिन। बर्थडे पर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट ने बढ़ाई रौनक, सामने आई शानदार तस्वीर। अपने बर्थडे पर छोटे बेटे के साथ नजर आई करीना कपूर। बर्थडे पार्टी में पहुंचे कई सेलिब्रिटीज। बहन करिश्मा ने बेबो के बचपन की क्यूट फोटोज शेयर कर दी बधाई। दिव्यांका त्रिपाठी ने बिग बॉस 16 में भाग लेने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी। ट्वीट के जरिए दिव्यांका त्रिपाठी ने साफ किया कि वो इस शो का हिस्सा नहीं बनेंगे। मनोज वाजपेयी पहुंचे अपने बचपन के स्कूल। बच्चों के बीच पहुंचकर एक्टर को याद आए पुराने दिन। बेतिया के KR स्कूल में मनोज वाजपेयी ने पढ़ाई की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।